कांग्रेस में भी गए थे चांद पर। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसा होता है कि अमावस्या की रात को ज्यादा क्राइम होता है, उसके आधार पर क्राइम को रोका जाएगा। अगर कानून किसी का नुकसान तो नहीं होना, तो मैं हिंदू मतलब किसी का भेदभाव ना हो उसमें। बचपन में सुनते थे वो कच्चा गैंग टाइप का था या तेल लगा के करते थे। कांग्रेस को कहते हैं लूट के खा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए हिंदू पंचांग की, जी हाँ, दरअसल लगातार ये कहा जाता है कि यूपी की कानून व्यवस्था सबसे दुरुस्त है, दुनिया भर में इस बात के चर्चे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो अब ये कहा गया है, आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया है कि हिंदू पंचांग के माध्यम से यूपी में कानून व्यवस्था और दुरुस्त की जाएगी और सुधारा जाएगा, क्योंकि ऐसा मानना है कि हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या के टाइम या पूर्णिमा के टाइम सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। अब इसको लोग कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई हिंदू पंचांग के आधार पर किसी कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है, जनता के मन में क्या लगता है? देखो, ये तो सरकार का अपना निर्णय हो सकता है। हाँ। लेकिन जो कानून से चलना चाहिए, मेन तो पहले जो कानून है हमारे देश में चलना है, संविधान जो कानून है, और उसको भी अगर जोड़ दे तो अच्छी बात है। उसमें वो भी कुछ मानते हैं क्योंकि हम हिंदू है तो हिंदू धर्म से चलना कोई गलत नहीं है। अच्छा, तो लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, दूसरी तरफ आप हिंदू पंचांग के आधार पर कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाएंगी। अगर कानून किसी का नुकसान तो नहीं होना, उसमें हिंदू किसी का भेदभाव ना हो उसमें। हाँ। ऐसा कानून होना चाहिए ना। हाँ। चले ठीक है, वेद पुराण से जो भी हमारे मानते हैं उसमें चले, कोई बात नहीं है। अभी तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदू पंचांग के आधार पर कहीं की कानून व्यवस्था चले। पंचांग के आधार पर ये माना जाए कि अमावस्या वाली रात को ज्यादा क्राइम होता है या पूर्णिमा की रात को ज्यादा क्राइम होता है, ये तो एक तरह से अंधविश्वास के बतौर देखा जा रहा है। अंधविश्वास नहीं, ये चीज हकीकत में हमारे वेद शास्त्र में जो कहा गया है वो चीज आज भी है, ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, कि उस समय कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है निगेटिव चीज़ें, अमावस्या हो या उसमें चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसका निवारण होता है। इसलिए पूजा पाठ, चाहे दिवाली हो, वो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, इसलिए करते हैं, कोई गलत चीज़ें ना हो। निगेटिविटी जो उस समय तो गलत चीज़ होती है बढ़ जाती है। रात के समय आप जो कनॉट प्लेस में आप रात को समय जाओ तो इसमें भूत प्रेत चीज़ें तो आज भी मानते हैं लोग, चाहे हो ना हो, लेकिन होता है, आगे भ्रम तो होता ही ना लोगों को। हाँ, मतलब इस तरीके की बातों से आप पूर्ण रूप से सहमत? पूर्ण जो भी है, मतलब सरकार को देखना होगा। हाँ। इतना ऐसा नहीं तो खैर कोई और करने देंगे। हाँ। लेकिन अगर हो जाएगा तो ठीक है। अच्छा। मतलब किसी का नुकसान ना हो, हम ये चाहेंगे, मतलब हिंदू का नुकसान ना हो हम ये चाहते हैं। हिंदू पंचांग के आधार पर कहीं की कानून व्यवस्था दुरुस्त की जा सकती है? देखिए, ऐसा ना, हमारा पंचांग जो है सदियों पुराना है और एक्यूरेट है। ये एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं आपको, बहुत छोटा एग्जाम्पल एक है। एक ईद का होता है ना, बकरीद होती है, तो उसमें एक या दो दिन पहले अनाउंस होता है कि कल चांद निकलेगा या है। लेकिन पंचांग हमारा ऐसा है कि आज से 2000 साल बाद भी क्या होना है वो आज के डेट में ये हो जाता है। लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सबसे ज्यादा जो क्राइम है वो अमावस्या की रात को होते हैं, पूर्णिमा की रात को होते हैं, ये सब क्या एक अनैतिक बातें हैं? मैम देखिए, इसमें कोई सिर पैर तो है नहीं। आज के डेट में साइबर क्राइम्स हो रही है, वो तो 24/7 है वो। हाँ। कहीं बंदा बैठा हुआ है कहीं से, वो अपना एक आया था वेब सीरीज एक आई थी जामताड़ा। हाँ। उसमें अगर अमावस्या और देखेंगे फिर तो महीने में एक ही बार कर पाएंगे वो। हाँ। आज के डेट में 24 घंटे 24/7 हो रहा है ये। हाँ, हाँ, बाकी ये है कि कुछ एक छोटे शहरों में, एक पीछे हम लोगों ने बचपन में सुनते थे वो कच्चा गैंग टाइप का था या तेल लगा के करते थे, वो लोग मे बी अमावस्या को देख के, क्योंकि बिजली के समय अंधेरा होता है तो ताले तोड़ते हैं, चोरी करते हैं, अलग चीज़ है वो छोटे शहरों। बाकी तो आज के डेट में क्राइम बहुत। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के ऐलान से एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, एक विशेष समुदाय पर बात करने की ज्यादा कोशिश की जा रही है? नहीं, मैं तो कहूंगा देखो उनकी ये छोटी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई विशेष समुदाय नहीं है या कोई मतलब पंचांग पे या कोई अमावस्या या पूर्णिमा पे नहीं, ऐसे होता है ये तो। बंदे का कहते हैं जब बुद्धि भ्रष्ट होती है अपना निकल जाता क्राइम करने की। विज्ञान तरक्की कर रहा है कि आज हम चांद पर जाने के सपने देख रहे हैं और वो 23 तारीख को पूरे भी होंगे, उस समय हम ये देखें कि हिंदू पंचांग से रोक सका जा सकता है। तुम चांद की जो बात कर रही हो उसके बीजेपी के पहले भी कांग्रेस में भी गए थे चांद पर, तो लेकिन हिंदू पंचांग से अपराध रुक सकते? हिंदू देखो कभी खतरे में नहीं था, न आज खतरे में है। हाँ। हिंदू जो है, हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। हाँ। लेकिन हाँ। ये जो हिंदू मुस्लिम जो करते हैं ना, ये गलत करते हैं। मैं यूपी गवर्नमेंट में हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ। हाँ। लेकिन मैडम एक बात बता दें। हाँ। ये 10 साल के अंदर हाँ। बस केवल जात पात हिंदू मुस्लिम ये सब चला है, उसके पहले नहीं चला था। हाँ। कांग्रेस को कहते हैं लूट के खा गया। हाँ। कांग्रेस ने कोई लूट के नहीं खाया,
उसने सुई से लेके हवाई जहाज बनाया, आज वही मोदी जी बेच बेच के कार्य अपना अडानी अंबानी को सबको दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मोदी जी ने कौन से कंपनी लगा लिए, कौन 2-4 करोड़ पब्लिक का नौकरी दे दिए, वो जो राशन का बात करते हैं कि 80 लाख राशन मैं बांटता हूँ, राशन तो कांग्रेस में भी बंटता था मान लो एक। अरे हमारा सवाल तो ये था ना कि हमारा सवाल जो था उसके आधार पे क्या लगता है यूपी की कानून व्यवस्था कितने दुरुस्त है? तो देखिए लगातार जो बात की जा रही थी हिंदू पंचांग के आधार पर यूपी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, लोगों की क्या कुछ रहती आपके सामने रखी गई। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर, कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।